सर बजट आज आई है, बजट को लेकर के क्या कुछ कहना है? बजट के लेकर क्या कहना है, पिछले बार भी इनका बजट हम लोग देख चुके हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब के लिए इनसे कुछ आशा नहीं की जा सकती। देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आगे बढ़ाना होगा और उसके लिए पर्याप्त बजट मुहैया कराना होगा। पूरे देश में चरम पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब से कहीं कोई मतलब नहीं है मोदी सरकार को। आया है कितने सहमत है यहाँ की जनता? बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, बजट उदासीन है और यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार ठग रही है, जो कि नितांत जरूरी है बिहार के लिए, नहीं तो बिहार सदा के लिए पिछड़ा रह जाएगा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आज आम बजट पास किया गया। इस बजट को लेकर के बिहार में के लोगों को क्या कुछ सौगातें दी गई, खासकर इसमें आम बजट के साथ साथ रेल बजट पर भी चर्चा की गई और रेल बजट को भी लाया गया, लेकिन इस पूरे बजट को लेकर के बिहार को क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं, इस पूरे बात को लेकर के हम बिहार की जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि इस बजट से वो कितने संतुष्ट हैं। प्रदेश है बेरोजगारों का, माने यहाँ बेरोजगार युवा प्रदेश है और यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इसको हल करने की दिशा में हमारे बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कौन सा पहल किया गया, जैसे राज्य सरकार कर रही है उनका भी होना चाहिए। यदि 10 लाख नौकरी की वादा बिहार सरकार कर रही है तो उनको 20 लाख 25 लाख यहाँ बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रकम या अन्य दिशा में कदम उठाना चाहिए, जो कि नितांत जरूरी है बिहार के लिए, नहीं तो बिहार सदा के लिए पिछड़ा रह जाएगा। तौर पर देख रहे हो, चूँकि मीटिंग में आना था, हूँ शुरुआती दौर में देखा, मैं विशेष जानकारी भी मुझे बजट के बारे में नहीं है। जिस तरह के मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पहले 5 लाख रुपया पे टैक्स दिया जाना था, लग रहा था, अब उसे बढ़ा करके 7 लाख रुपया कर दिया गया है। रेलवे में भी जहाँ 200.4 करोड़ रुपये का ये था, अब उसे बढ़ा दिया गया, तो क्या लगता है कि इस बार जो आम जनता के बोला जा रहा है, सरकार तो बोले का बजट को तो बर्बाद करके धर दिया। रेलवे का समझ आता था जब रेलवे का बजट होता था, लोगों से कितना पैसा दिया है, कितनी नई गाड़ियाँ चलाई जा रही है, लोगों को समझ आता था। और सबसे बड़ा सवाल कि जो सीनियर, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन का हकमारी ही करके दिया क्या हम लोग उस पर? सबसे बड़ा सवाल तो उसको आया जो कोविड के बाद जो जहाँ की ट्रेन का जो भाड़ा बढ़ा के लिया गया, उसको आज तक समाप्त नहीं किया गया। तो ये सब तो अभी तो मैं पूरी तौर पर जानता, जितना मैं देखा था उतना सही मैं बता पा रहा हूँ। मैं अभी उस पर बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सरकार का जो कहना है कि इस बार का जो बजट लाया गया है, गरीब, युवाओं, महिलाओं, माने तमाम ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, चूँकि कोरोना से लोग काफ़ी त्रस्त थे, इसे देखते हुए लाया गया, तो क्या लगता है कि इस बार इस तरह का सरकार बजट? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अभी पूरी बजट को पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैं अभी बहुत कुछ पर नहीं कह सकता। जितना देखा, जितना जाना उतना ही मैं बता दें। मैं बहुत जनता इससे अभी संतुष्ट नहीं है और जनता के प्रतिक्रिया भी अभी हम लोगों को, चूँकि सभा मीटिंग के दौर तो जानकारी उतना नहीं है, पढ़ भी नहीं पाया, इसलिए उस पर मैं बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं ठीक आया है, कितनी सहमत है यहाँ की जनता? बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, बजट उदासीन है और यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार ठग रही है और बिहार से जो है इतना, चूँकि जितना हम लोग का पार्लियामेंट का मेंबर हैं उन लोगों और जो मंत्री भी हैं उन सबको धोखा में रख करके केंद्र सरकार चल रही है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि इस बार का जो बजट आया है उसमें गरीब, मध्यम परिवार, युवा और महिलाओं, किसानों को सबको ध्यान में रखा गया है, यहाँ तक कि जो लोग 5 लाख रुपये तक का टैक्स बियर करते थे अब उसे बढ़ा करके 7 लाख रुपया कर दिया गया। अरे हमारे बिहार ने जो आपको 38 सांसद दिया था उस समय, अब जदयू अलग हो गया, लेकिन उस समय जो दिया मेरे बिहार के लिए क्या दिए, आप कहीं के लिए दिए होंगे उसको हम नहीं जानते, बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया। हम लोग बिहारवासी दुखी हैं, इस बार जो चुनाव आएगा 24 में मोदी जी को बताने का बजट में कुछ है ही नहीं। बजट जो कंप्लीट रूप से खास करके युवा विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, युवाओं से तो वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, 9 साल होने चला, 18 करोड़ रोजगार है बजट में, आप ही बताइए। महंगाई चरम पर, किसानों की आय दोगुनी
करने की बात कही गई थी 2022 में, 2023 है ना, किसानों की आय दोगुनी हुई, पूरे देश में चरम पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब से कहीं कोई मतलब नहीं है मोदी सरकार को, तो बजट में कहीं कुछ नहीं है, नवा बजट है, कहाँ कुछ है, बस वही घिसा पिटा, इन्हें तो विकास से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये पूरी तरह जो है कि चौपट, नौजवान विरोधी, गांव विरोधी, किसान विरोधी बजट है। किस तरह का बजट है और कितनी संतुष्ट है? देखिए, बजट में जो पहले 5 लाख का तक छूट दिया गया था, उसमें 2 लाख की बहुत बढ़ोतरी हुई है, और आप लोग से हम कहना चाहेंगे और पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे, ये तो सभी लोगों के, आम जनता के हक के लिए हुआ, क्योंकि जहाँ 5 लाख पे लोग के टैक्स लग, 5 लाख के बाद जो टैक्स लग जाती थी, अब 7 लाख पर लगेगा, और हम चाहते हैं कि जनहित में काम करे कोई भी सरकार हो, उससे अपील करते हैं कि जो आम जनता की जिसमें फ़ायदा हो काम करनी चाहिए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी तो हम लोग आए हुए थे बाबू जगदेव बाबू के चीज में, ग्रसित है ये बजट, तो मान लेते हैं कि अगर बिहार को कुछ नहीं दिया जाता तो दुराग्रह से ग्रसित है, और किसी न किसी से मैंने ये तो द्वेष की भावना से ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है कैसा बजट होना चाहिए था, बिहार को क्या चाहिए था, बिहार को क्या देना चाहिए? बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबको और यह रेल बजट में प्रोविजन करना चाहिए, और बिहार को क्या पूरे देश के लिए ही सबको लिए करना चाहिए। सर सुनो, लेकिन अभी का जो बजट आया है उसमें तो सरकार दावा कर रही है कि मध्यम परिवार, युवाओं, किसान, मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, तो आम बजट है, रेल बजट दिया है, रेल बजट आम बजट नहीं, तो अभी तो अब तो क्या हम देखे नहीं है कि क्या बजट में है, तो नहीं देखे। सर मैं एक चीज बोल, सर बजट आज आई है, बजट को लेकर के क्या कुछ कहना है? बजट के लेकर क्या कहना है, पिछले बार भी इनका बजट हम लोग देख चुके हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब के लिए इनसे कुछ आशा नहीं की जा सकती, मुझे यही उम्मीद है। क्या लगता है कि बिहार के साथ सौतेलापन? बिल्कुल, शुरू से ही क्या बिहार सबसे ज़्यादा माइनर रिसोर्सेज की धरती रही है, झारखंड को काट के उसे अलग कर दिया गया, लेकिन झारखंड के जो मूल निवासी थे उनके संसाधनों को उनसे अलग करके वहाँ जा करके दूसरे लोग उस संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहे, वहाँ का मूल निवासी आज भी गरीब है, और बिहार से अलग किया गया तो बिहार के लोग भी उस जो माइनर रिसोर्सेस है उससे जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए थे बिहार के लोगों को वो भी वंचित रह गया। क्या लगता है कि इससे सहमत नहीं है इस बजट से? सहमत तो नहीं है, मुझे तो नहीं आशा है कि कुछ इन्होंने बिहार को दिया होगा या डिप्रेस सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ विशेष बजट में स्थान दिया होगा, ऐसा तो कुछ नहीं लगता इस सरकार से। क्या लगता है बजट को लेकर के? देखिए, बजट की बात करें तो जिस तरह से बजट पारित होती है ऐसा लगता है कि बिहार को कभी मुख्य राज्य का दर्जा दिया ही नहीं जाता है, इसलिए बिहार को कभी भी किसी तरह से बजट में रखा ही नहीं जाता है, और ना ही इसके विषय में कभी सोचा जाता है, और ना ही इसके विषय में किसी तरह कोई कार्यवाही की जाती है, इसलिए हम इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे बिहार में किसी भी तरह कोई ऐसे रोजगार के लिए या कोई ऐसा बिल पास हुआ या कुछ भी ऐसा कहा जा सके कि हमारे बिहार के लिए कुछ किया गया हो, बिल्कुल नहीं, सुनने का मतलब 0 होता है और वही किया गया है बस। आज बजट आया है, बजट को लेकर के जनता में कितनी खुशी है? आज का जो संसद में बजट प्रस्तुत किया गया है तो हमको देखना होगा कि हमारे बिहार, हमारे प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश है उसके लिए क्या दिया गया है। रह गई रेलवे बजट, उसमें सम्मिलित है, हमको जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर रेलवे में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है और न मिलने वाली है। और जहाँ तक बजट का सवाल है, जो नेशनल बजट है किन प्रदेशों को क्या दिए हैं उसके रेस्पेक्ट में बिहार को क्या दिए हैं, बिहार चूंकि पिछड़ा राज्य है इसको विकसित बनाने के लिए अधिक से अधिक देना जरूरी है। अगर कहीं चूंकि हम गठबंधन की सरकार है और वो अपने दुर्भाग्य क्या कहते हैं उसको दुराग्रह से ग्रसित होकर कहीं इसका बजट कम कर देते ये पिछड़ा राज्य फिर पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए अगर हम, मैं प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार को आगे बढ़, जब तक आपका बिहार आगे नहीं बढ़ेगा विकसित देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए यदि आपको देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आगे बढ़ाना होगा और उसके लिए पर्याप्त बजट मुहैया कराना होगा, सारी सुविधाएँ देनी होगी। इस बार की बजट कैसी है? इस बार के बजट में तो सुनते हैं कि बिहार को सुन दिया गया है,
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में तो विशेष राज्य की दर्जा पूर्व से मांग है और उस मांग के बारे में तो यहाँ विशेष बजट में प्रावधान होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है बिहार के प्रति। अगले चुनाव में हम लोग सबक सिखाएंगे। काफ़ी अच्छा रहा बजट और आम जनता के बारे में सरकार सोचती है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग गरीबी झेल रहे थे, इसमें राहत दिया गया सरकार का द्वारा। यह उचित कदम है सरकार का द्वारा और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्या लगता है कि इस बार जो सरकार का दावा है कि गरीबी, युवा, महिलाओं, किसानों सभी को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है और जिस तरह से 5 लाख रुपए से अब बढ़ाकर के 7 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया गया है, और उसके बाद जो आज युवा हैं जिसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो नौकरी हो या फिर आप रेलवे से ट्रेवल करते हो, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह का जो बजट लाया है उसमें ये भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में बहाली भी ला जाएगी। तो ये सरकार का जो ये बजट है किस तरह आम लोगों और युवाओं में कितना खुशी का चीज़ है? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आम लोगों को ध्यान में रखते हुए भी बजट लाया गया है और इससे आम पब्लिक को भी फायदा होगा, जिसको ध्यान में रखकर सरकार ने ये कदम उठाया या 7 लाख का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो जनता है उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की जा रही है उस पर भी कोई भी आज तक चर्चा नहीं हुई, और जो आज केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो बजट लाया गया है उसमें भी बिहार को निराशा हाथ लगी है, बिहार के लिए कुछ भी नया नहीं आया है, जिसको लेकर के ये साफ कहा है कि बिहार को लेकर और बिहार सरकार को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा सौतेलापन का व्यवहार किया गया है। इस बजट से लोग काफ़ी नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हीरा के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।